سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکا، والصلاۃ والسلام صلاۃ دائما مبارکن ابدا، وعلى آله وأصحابه ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من طين، وقال الله تعالى وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناؤ كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ شاہوں کو بھی وجہ نیک نامی، شہ خوباں تیرے در کی غلامی، ہر ایک شیدہ ہے سلطان عرب کا، عراقی ہو کہ رومی ہو کہ شامی، ہے شاہوں کو بھی وجہ نیک نامی۔ اور سے شمشی میں، شمس الخطبہ کانفرنس میں آنے والے زندہ دل مسلمان، قابل مبارک باد ہیں آپ کہ اپنے مشائخ، علماء، خطبہ، شورا سے پیغام حق سن کر اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اپنے علماء مشائخ کا شکریہ خصوصیت کے ساتھ پری طریقت، پیکر الفت و محبت، خلیفہ حدود تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مختار عالم رضوی مدظ اللہ نورانی، ناظم اعلیٰ مدرسہ فیض الاسلام، مدرسہ سلیمیہ فیض الاسلام و جامعہ انوار تاج الشریعہ، جن کی سرپرستی کا یہ غیبانہ سایہ، جس کے برکات، جس کے اثرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات میں، حیات میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ خطیب الہند، خطیب اعظم ہندوستان، مفکر وقت، جن کی خطابت کا شہرہ صرف خطابت کا نہیں، فصاحت کا بھی، بلاغت کا بھی، ادب کا بھی، طریقے کا بھی، اخلاق کا بھی چرچا پورے ہندوستان میں ہے، وہ عظیم خطیب، میری مراد حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، جن کی آج عمدہ صدارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، خطابت میں اور اخلاص و للہیت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی عمدہ قیادت نوجوان آنے اہل سنت کے لیے نمونہ، نوجوان آنے اہل سنت کے لیے ایک عظیم مثال، ایک عظیم فکر، میری مراد حضرت مولانا کلیم رضا شمسی، جو حضور شمس الخطبہ کے شہزادہ ہے، ان کی عمدہ قیادت ہے۔
हज़रत मौलाना अफजल हुसैन साहब की बहुत अच्छी निकाबत, माशाल्लाह क्या कहने हैं। आज के वक्त में अगर नकीब और शायर अगर मुअद्दब मिल जाए तो समझ जाओ कि नकीब पढ़ा लिखा है, शायर पढ़ा लिखा है। आज पढ़े लिखे लोगों का मजमा है मिंबरे रसूल पे भी, सामने भी दिगर उलमाए अहले सुन्नत, मशायख़ इज़ाम, अइमे इकराम और शोरा की फ़हरिस्त में खुसूसियत के साथ जनाब मोहतरम शायर हिंद अख्तर हुसैन नईमी, तमाम के इल्म अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत के साथ उल्फत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, उलमाए किराम की दुआओं को लेता हुआ आपकी बारगाह में दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भला नवाज से कहे सुभान अल्लाह। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राहदां के लिए। निगाह बलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में दो शेर, नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, ये बादशाह सल्तनत अर्जो समा है। नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कबा है, ये बादशाह सल्तनत अर्जो समा है, कासिम है मगर फाकों पे करता है गुजारा, कासिम है मगर फाकों पे करता है गुजारा, सुल्तान है मगर मजमे फुकरा में खड़ा है, सुल्तान है मगर मजमे फुकरा में खड़ा है, सुल्तान है मगर मजमे फुकरा में खड़ा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रात के इस हिस्से में भी अगर आप मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं अपने नबी से मोहब्बत है, अकीदत है, उल्फत है। उलमाए किराम दुआओं से नवाजते रहें, बहुत ज़्यादा देर नहीं, जहाँ तक आपका मिजाज बोलेगा और आपका अंदाज़ बताएगा इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक बोलने की कोशिश करूँगा। ज़बरदस्ती मुजफ्फर हुसैन गुफ्तगू का कायल नहीं है, जब तक तबीयत गवारा करे सुने, ताकि सिर्फ सुनना ना हो बल्कि अमली मैदान में भी उसका नजारा नजर आए। बुलंद आवाज से मिलकर कहें सुभान अल्लाह। खलक अल इंसान मिन तीन, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आज मिट्टी पे थोड़ी गुफ्तगु सुन लिया, मिट्टी से बने इंसान, इंसान ने अपनी हैसियत को नहीं पहचाना है, इंसान ने अपने वजूद को नहीं पहचाना है। और जो खुद अपने वजूद और अपनी हैसियत को नहीं पहचाने, दूसरा भी उसकी हैसियत को नहीं पहचानता। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम की तखलीक फरमाई। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, जब तेरे रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूं। قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, फरिश्तों ने कहा मौला तू उसे अपना नायब बनाएगा जिसकी औलाद खून रेजियां करेंगे, जिनकी औलाद फितना फसाद पैदा करेगी,
हम तो तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी पढ़ाई बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। रब ने फरमाया इन्नी आलमो माला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। यहां पे एक बात बता दूं, रब ने फरिश्तों से कहा मैं अपना नायब बनाने वाला हूं। मुफस्सिरीन किराम इस बात को ताबीर करते हैं कि रब ने फरिश्तों से मशवरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से मशवरा किया, अपने बंदों को यह पैगाम दिया, हुक्म दिया। ऐ बाप कभी यह ना सोचना कि यह तो मेरी औलाद है, मैं अपनी औलाद से मशवरा क्या करूं। शौहर कभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस ना करना कि अपने बीवी से मशवरा क्या करूं। ऐ उस्ताद अपनी अपने इल्म पे नाज ना करना कि मैं अपने शागिर्दों से मशवरा क्या करूं। कभी कभी छोटों का मशवरा भी बड़ा होता है, और रब ने यह पैगाम दिया है कि बड़ों को भी अपने छोटों से मशवरा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फरिश्तों से कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूं। उस नायब की तखलीक के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पर भेजा, जा मिट्टी लेकर आ। सबसे पहली तखलीक के लिए अल्लाह ने जमीन पर भेजा फरिश्तों को, जा जमीन से मिट्टी लेकर आ। सबसे पहले इंसान यहां पर रुककर एक पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशकले बशर सबसे पहली तखलीक हजरत आदम की फरमाई। उस तखलीक के लिए मिट्टी जमीन से। लेकिन अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी अली रहमतुर रिजवान अपनी किताब नसीमुर रियाज में फरमाते हैं कि नबी आखिर जमा अलैहि सलातो वसलाम जहां अपने नूर के एतबार से सबसे अव्वल हैं, वहीं अपने वजूद के एतबार से भी अव्वल हैं। भला नवासे कह दिए सुभान अल्लाह। मेरा मामला ये नहीं कि बार बार कहूं, हाथ उठाकर कहें, नारा लगाए, सुभान अल्लाह कहें। तबीयत से आप मेरी बात सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं खिताबत क्या करूं, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार आलम साहब क़िबला मदरसा नूरानी और हजरत अल्लामा सैफुल्ला अलीमी साहब क़िबला के इल्मो फन के नहरों बहर से कुछ कतरे खैरात लेकर आपके कल्बो जहन के औराक पे कुछ निशानात मुरतब करना चाहता है। वरना ये कमील, ये गुनाहगार आपसे खिताब क्या कर सकता है। अपने बड़े उलमा के इल्मी खैरात को लेकर के बांटने की कोशिशें करता हूं। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी अली रहमा ने फरमाया नसीमुर रियाज में कि नबी आखिरुज़्ज़मा जहां अपने नूर के एतबार से अव्वल हैं, वहीं अपने वजूद के एतबार से भी अव्वल हैं। हजरत आदम की तखलीक से कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, जा जमीन से मिट्टी लेकर आ, मैं अपने महबूब के वजूद को बनाना चाहता हूं। और वो हजरत जिब्रील अमीन उस जगह आए जहां आज नबियों के सरदार आराम फरमाए, सुभान अल्लाह। आज जहां गुंबदे खजरा है, क्योंकि कुरान ये कहता है मिना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटाएंगे, इसी मिट्टी से उठाएंगे। चाहे नबी हो, रसूल हो, सहाबी हो, गौस हो, ख्वाजा हो, आलिम हो, फाजिल हो, जाहिल हो, जिस मिट्टी से पैदा हुआ उसी मिट्टी में दफन होगा, उसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। वकुल्ला खलाक मिन नूरी, और पूरी मखलूकात को मेरे नूर से पैदा फरमाया। वह अना मिन नूरी ला, और मैं अल्लाह के नूर से हूं, मैं अल्लाह के नूर से हूं। तो शहाबुद्दीन अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज में फरमाया
कि वजूद आदम से पहले वजूद मुस्तफा है, नूर के एतबार से भी, वजूद के एतबार से भी। हाँ, ये अलग सी बात है कि बशक्ल बशर सबसे पहले हजरत आदम आए, हजरत आदम आए। एक बात और हाथ जोड़कर अर्ज कर दूं, मुज़फ्फर हुसैन गढ़े हुए किस्से और कहानियां बयान करना नहीं चाहता। बड़े मुश्किलों से कोई जलसा पैदा होता है, बड़ी मेहनतों से कोई कॉन्फ्रेंस वजूद, कोई कॉन्फ्रेंस वजूद में आती है। एक बेटी के बाप की तरह जलसे का नाजिम और कायद होता है। इसलिए जलसों का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। कहूं मैं अपने जलसों को और जलसों की कदर कीमत को जाय मत कीजिए। हक है, वाह, आज वक्त कहूं का नहीं है, आज वक्त इन आंखों से आंसू बहाकर अपने कल्बो जिगर को साफ करने का है। सुभानअल्लाह, जिस दिन हम मुसलमानों के कल्बो जिगर साफ हो गए, फिर हमारे दिलों की हुकूमत का झंडा दुनिया पे लहराता नजर आए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, बहुत उम्दा पैगाम हजरत, माशाल्लाह। और ये मिजाज रखिए कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, और संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बेकार हो जाए। ये मिजाज रखिए, ये तेवर रखिए, ये अकीदा रखिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। नारे लगना कमाल की बात नहीं है। कल कमरहट्टी के चौक चौराहे और चाय खानों में जिक्र करो कि जलसा बहुत कामयाब हुआ, कोई जरूरत नहीं है। जलसे से 5-10 आदमी भी इबरत व नसीहत लेकर उठा और अमली मैदान में उसकी शक्लो सूरत नजर आई, जलसा कामयाब। मिट्टी, ऐ मिट्टी से बने इंसान, अपनी हैसियत को समझो, अपने मकाम को देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते को जा मिट्टी लेकर आ। फरिश्ता रब की बारगाह में मिट्टी लेकर हाजिर है। तफसीर की किताबों में है कि बरसों उस मिट्टी को पानी से गूंदा गया। वो मिट्टी पानी से गूंदी जा रही है, रब ने हुक्म दिया उस मिट्टी में पानी भी शामिल करो, हवा भी शामिल करो, आग भी शामिल करो। एक और नुक्ता बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के लिए किसी एक जगह की मिट्टी नहीं लाई गई, बल्कि रुए जमीन के अक्सर व बेशतर हिस्से से मिट्टी लेकर रब के हुक्म से रब की बारगाह में हाजिर हुए। अगर एक जगह की मिट्टी होती तो औलादे आदम की शक्लो सूरत एक होती, अगर एक जगह की मिट्टी होती तो औलादे आदम का मिजाज एक होता, अगर एक जगह की मिट्टी होती तो औलादे आदम का तरीका एक होता। मिट्टी अलग अलग, शक्लें अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग, सूरतें अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग, नजरिया अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग, मिजाज अलग अलग है। अल्लाह का शुक्र एहसान मनाओ, जिस मिट्टी के हिस्से हम और आप हैं, उस मिट्टी को अच्छी जगह से रब ने तला फरमाया, जिसकी वजह से आज इस मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में ईमान का जलवा भी है, अमल की खुशबू भी है, अकीदत व एहतराम भी है, अदबो फसाहत व बलागत का जलवा भी है। मिट्टी अच्छी होती है, किरदार अच्छा होता है, मिट्टी अच्छी होती है, मिजाज अच्छा होता है, वो मिट्टी रब की बारगाह में हाजिर है। इस मिट्टी में आग भी शामिल है, पानी भी शामिल है, हवा भी शामिल है। अब यहां पे गौर करें, रब ने फरमाया मीना खलकनाकुम, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटाएंगे, इसी मिट्टी से उठाएंगे। यहां पे आग का तस्करा नहीं है, पानी का तस्करा नहीं, हवा का तस्करा नहीं। ऐ मेरे रब, जब वजूद आदम में
चार चीजें शामिल है जिसे अनासिर अरबा कहा जाता है। लेकिन तेरी आयत में, तेरी वही में, तेरी किताब में सिर्फ मिट्टी का तस्करा, इस आयत में मामला क्या है? मुजफ्फर हुसैन ने जो किताबों की वरक गर्दानी से जो समझा है उसका निचोड़ आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। आग का तस्करा इसलिए नहीं कि आग पर अगर पानी डालो आग का वजूद खत्म। पानी का तस्करा इसलिए नहीं कि पानी को आग पर रखकर जोश दो तो पानी भाप बनकर खत्म। और हवा वो है जो नजर नहीं आती, हवा वो है जो नजर नहीं आती है, लेकिन वारे मिट्टी इस मिट्टी को आग में डालो तो मिट्टी मौजूद, इस मिट्टी को पानी में रखो तो मिट्टी मौजूद, इस मिट्टी पर हवा और तूफान चले तो मिट्टी मौजूद। गोया के मिट्टी से ताबीर करके मेरे रब ने यह पैगाम दिया, हमें यह मिजाज और तरीका दिया, ए मिट्टी से बने तेरा वजूद यह है कि अगर कुफ्रो शिर्क की आंधी चले फिर भी मौजूद रहना। ए मिट्टी से बने इंसान तेरा वजूद यह है कि अगर पानी पड़े तो मौजूद रहना, सैलाब आए तो मौजूद रहना, आंखों आग का अंबार चले तूफान चले तो मौजूद रहना, क्योंकि मिट्टी तू है। मिट्टी वो है जो हर जगह नजर आती है, मोमिन वो है जो हर जगह कामयाब नजर आता है। क्या पैगाम है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शमसी, शमसुल खुतबा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार, मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाकी पुतला तैयार, सर से लेकर पांव तैयार है लेकिन हरकत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को हुक्म दिया, ए रूह जा दाखिल हो जा, वजूद आदम में दाखिल हो जा। रवायतें बताती हैं, तफसीर की किताबों से मालूम होता है कि वजूद आदम से करीबन 2000 साल पहले अल्लाह ने रूह को पैदा फरमा दिया था। भला नवासे का ये सुभान अल्लाह, वजूद आदम से करीबन 2000 साल पहले अल्लाह ने रूह को पैदा फरमा दिया। रूह को हुक्म हुआ जा दाखिल हो जा, वजूद आदम में दाखिल हो जा। रूह आई घबरा कर वापस, मौला बहुत अंधेरा है, बहुत तारीकी है, जाने की हिम्मत नहीं। रब ने हुक्म दिया, जिब्रील आदम के वजूद में मेरे हबीब के नूर को रख दो, सुभान नूर मुस्तफा को रख दो, जिस नूर के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी व कुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरी लो। और हां जहां कुरान की आयत हो, अव्वलो व आखिरो व जाहिरो व बातिन है, मुफस्सिर फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के लिए भी है, यह आयत रसूलुल्लाह के लिए भी है, क्योंकि नबी की जात अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। नबी पाक की जात अव्वल भी है, आखिर भी है, वो नूरे मुस्तफा। वजूद आदम में रखा गया, अब रूह दाखिल हो जा, रूह आई तो जलवा ही जलवा है, रोशनी ही रोशनी है। आलम तसव्वुर में रूह ने कहा, यह रोशनी कहां से आई, ये जलवा कहां से आया? आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा, जिस नूर की बरकतों से पूरी कायनात चगमगाएगी, उसी नूर की वजह से वजूद आदम भी चगमगा गया। हजरत आदम के वजूद में जलवा और चमक और रोशनी आ गई है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के आजा में हरकत सकनात, जिस्म काम करने लगे, हरकतें हो रही हैं, सर से लेकर पांव तक कदम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह शहजादे हुजूर शमसुल खुतबा तशरीफ लाए, देख करके दिल बाग बाग हो गया। और ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा हर नौजवान ऐसा अच्छी फिक्र का हामिल हो जाएगा, समाज में मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह ताला इस नौजवान को नौजवानों के लिए नमूना बनाए और अच्छे किरदारों अमल के हामिल इस नौजवान को, इस आलिम को अल्लाह ताला कौम का अच्छा कायद रहबर रहनुमा बनाए। भला नवाज से कहें सुभानअल्लाह, जिसमें मैं जाना गई। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया, मोहम्मद जाहिर में मैं तेरा बाप हूं लेकिन बातिन में तू मुझसे बड़ा है।
बातिन में तेरा दर्जा मुझसे बड़ा है। मस्जिद में गए, बाप एक मजदूर है, किसान है, उस बाप का बेटा हाफिज कुरान है। जमात का वक्त आ चुका, मुकब्बिर ने तकबीर कही, बताओ तो मुसल्ले इमामत पे कौन जाएगा? बेटा हाफिज कुरान जाएगा। बाप ये नहीं कहेगा मैं बाप हूं मुसल्ले पे मैं जाऊंगा। उलमा कहेंगे यहां बाप बेटे का रिश्ता नहीं, यहां तो इल्म का रिश्ता देखा जाए। हजरत आदम तमाम के बाप सबसे अव्वल तशरीफ लाए, लेकिन बिला मुबालगा दलाइलो इब्राहिम की रोशनी में मुजफ्फर हुसैन कहने की इजाजत चाहता है कि अगर हजरत आदम को आदमियत मिली तो उसी नूर मुस्तफा की बरकतों की वजह से, अगर उन्हें नबूवत मिली तो उसी नूर मुस्तफा के जलवे की वजह से, अगर रिसालत मिली तो उसी नूर मुस्तफा की बरकतों की वजह से, हजरत आदम को यह मकाम मर्तबा मिला तो उसी नूर मुस्तफा की बरकतों की वजह से, अगर वो नूर ना होता तो ना आदम होते ना ईदम, ना आसमान होता ना जमीन, ना नबी होते ना रसूल। हर चीज का वजूद नूर मुस्तफा की वजह से है। रब ने फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिया, ए महबूब अगर तू ना होता तो मैं अपने रब होने का भी इजहार नहीं करता। लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में नूर मुस्तफा की वजह से जाना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम अता फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला मेरी पुश्त पर फरिश्ते क्यों खड़े हैं, मेरी पुश्त पर अदब एहतराम से ये फरिश्ते क्यों हैं? रब ने फरमाया तेरे वजूद में तेरी पुश्त में मेरे हबीब का नूर जगमगा रहा है। फरिश्ते अदब से खड़े हैं, नूर का एहतराम कर रहे हैं, और कुछ आज बेअदब लोग अदब करना नहीं जानते। जो नबी का अदब ना करे एहतराम ना करे, हम भी उसका अदब एहतराम नहीं करते हैं, क्योंकि असल अदब व एहतराम ईमान का है, और ईमान की जड़ और बुनियाद मोहब्बत रसूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम तेरी पुश्त में मेरे हबीब का नूर जगमगा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला उस नूर का दीदार मैं करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने आपके अंगुश्ते पाक में नूर मुस्तफ़ा को अता फरमाया। जू ही अंगुश्ते पाक में नूर मुस्तफ़ा आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम लबों से लगाए और आंखों से लगाए, बोसा लिया। हमें अरी ये मजाल और ताकत नहीं कि नूरे मुस्तफा का जलवा देख सके, लेकिन हां कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जब उस हबीबे किरदगा महबूबे दो आलम का नाम आए तो अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा करते हुए अपने उंगलियों को अंगूठे को लबों से लगाएं, आंखों से लगाएं, ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो। इसलिए जब नाम मोहम्मद आता है तो हम अपनी उंगलियों को चूमते हैं, अंगूठे को चूमते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। और बाप की दो तरह औलाद होती है, एक फरमा बरदार एक नाफरमान। अल्लाह का करम है कि हम फरमा बरदार औलादों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं। रब ने फरमाया देखिए मिट्टी की अजमत, देखिए मिट्टी का रुतबा, देखिए आज ये उलमाए किराम है, ये मिंबरे रसूल पे तशरीफ रखते हैं, आपने इन्हें ये इज्जत दिया है, ये रुतबा दिया है, आपने महसूस किया है कि ये इस काबिल हैं कि हमसे उसी जगह पे बैठे हैं। मिट्टी से बने आप भी हैं, मिट्टी से बने ये भी हैं, लेकिन क्या बात है कि आपके तवस्सुस से अल्लाह रसूल ने इन्हें यह मकाम दिया। मिट्टी आप भी मिट्टी ये भी, समझे गौर करें आगे चलें। रब ने फरमाया फरिश्तों को, कुरान ऐलान करता है वाइज कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा कर, रब फरमाता है जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा कर तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अब इनकार चला गया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और काफिरों में सो हो गया,
सबसे पहले जिसने तकब्बुर किया उसका नाम इबलीस है, और सबसे पहले जिसने आजजी और खाकसारी इख्तियार किया उसका नाम फरिश्ता है। ए मेरे बिरादरान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, हमें फरिश्तों की अदा अपनानी चाहिए, इबलीस की नहीं। आज जरा सा इल्म में आ जाता है तो गुरूर आ जाता है, आज जरा सा अमल आ जाता है तो घमन आ जाता है, थोड़ी दौलत मिल जाती है तो किब्रो नखवत की जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी शोहरत अगर मिल गई तो मिजाज आसमान पे चला जाता है, लेकिन अगर दिल बहके, मिजाज बहके, आंखें बहके तो ये याद कर ले तेरी हकीकत मिट्टी है, तेरी हकीकत मिट्टी है। मिट्टी के अंदर तकब्बुर नहीं, मिट्टी के अंदर गुरूर नहीं, घमंड नहीं, मिट्टी तो हमें आजिज़ी सिखाती है। मिट्टी को कोई भी पहलवान अपनी ताकत से लेकर उसके एक ढेले को आसमान की तरफ फेंके, जहां तक उस पहलवान ताकतवर की ताकत काम करेगी मिट्टी का ढेला चाहेगा, जहां ताकत खत्म मिट्टी फिर अपनी जगह पे, मिट्टी फिर अपनी जगह पे। अल्लाह की दी हुई दौलतों, शोहरतों, इल्म और अमल की खैरात पाने वाले, अगर तेरा मिजाज, तेरा दिमाग कहीं भटक रहा है और अगर तू अपने आप को सबसे बड़ा समझता है तो यह समझ ले कि मिट्टी ही वो है जहां से गुलाब के फूल भी खिलते हैं, और मिट्टी वो भी है जहां खिलाजतों के अंबार भी रहते हैं, जहां नापाकियां भी रहती हैं। तू अपनी किस्मत पे नाज कर के अल्लाह ने तेरी मिट्टी को वो बनाया जहां गुलाब की तरह ईमान की खुशबू नजर आ रही है, जहां फूलों की रमक और दमक नजर आ रही है। अल्लाह ने तेरी मिट्टी को नापाक नहीं बनाया, ईमान की दौलतों से मालामाल फरमा दिया। ए मिट्टी से बने इंसान, अपने वजूद पे कभी फखर और गुरूर न कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा करने का रब ने हुक्म दिया, कुरान ऐलान करता है, वस्कुल लिल मलाइकति जुदूले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा कर, तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा इनकार चला गया, वस्तकबर और तकबर किया। अब देखिए शैतान की हर धर्मी, रब ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया, रब ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो जानते क्या कहा उसने, खलक तो नहीं मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा फरमाया है, आदम को मिट्टी से। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाले के सामने कैसे झुकेगा। ये इबलीसी मिजाज आज हमारी कौम के दरमियान भी आ गया है। अगर दो चार मंजिलों के मालिक हो गए, सोचते हैं झोपड़ियों में रहने वाले से कौन मिलेगा। अगर कीमती गाड़ियों में अगर घूमने लगे, सोचते हो साइकिल मोटरसाइकिल से चलने वाले से क्या मिलेगा, मैं इसको क्यों लगाऊं, ये मेरी हैसियत का है, यह मेरी औकात का है। तेरी औकात वो नहीं, तेरी औकात मिट्टी है, तेरी औकात वो नहीं, तेरी हैसियत मिट्टी है। ये मिजाज फरिश्तों का नहीं, ये मिजाज इबलीस का है। जिस दिन हमारी कौम के दरमियान से, हमारे माशरे से ये मिजाज खत्म हो जाएगा, अखलाक मोहब्बत के झंडे लहराते नजर आएंगे। आज मकानों पे झंडा लहराना आसान है, लेकिन अपने अखलाक मोहब्बत से लोगों के दिलों पे झंडा लहराना ये बहुत मुश्किल काम है। ये वही कर सकता है जिसके पास ईमान का जलवा भी हो, और वही कर सकता है जो अपनी हकीकत पर गौर भी करता हो। इबलीस ने कहा, मौला तूने मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से, मैं मिट्टी के सामने नहीं झुका, नहीं झुक सकता। और दूसरा जवाब फरिश्ते ने, इबलीस ने कहा, अपने सजदा ना करने की दलील दिया, मौला तूने लोहे महफूज में लिखा है कि जब आदम के पास सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा तो सब करेगा, एक ना करेगा।
मैं देखा कि सब तो जा ही चुके हैं सजदे में, मैं ही तो बचा था। अगर मैं भी चला जाता तो तेरा लौहे महफूज का लिखा गलत हो जाएगा। इतना पढ़ा लिखा था कि लौहे महफूज में भी पढ़ता था, लौहे महफूज भी पढ़ता था, इतना पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत इबादत गुजार था। और ये बता दूं कि आज तक उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया है, और आज तक उसने अल्लाह की इबादत से भी इनकार नहीं किया। इनकार हजरत आदम की ताजिम से किया। पता चला कि सजदा करना ईमान नहीं है, पता चला कि सिर्फ रब को मानना ईमान नहीं है। तुम हम पे क्या इल्जाम लगाते हो कि किसी को काफिर कहते हैं? ये सुननी, रब से समझ लो, रब से बात कर लो। इबलीस ने खुदा का इनकार नहीं किया था, खुदा की इबादत का भी इनकार नहीं किया था, उसने हजरत आदम की ताजिम का इनकार किया था। आज जो मेरे नबी की ताजिम का इनकार करता है, अल्लाह की सुन्नत पैदा करते हुए हम भी उसे काफिर कहते हैं, हम भी उसे इस गिरोह में भेजते हैं। क्योंकि ईमान नाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, ईमान तो हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम है, मोहब्बत रसूल का नाम। वो ईमान सुन्नियों के पास है, वो जलवा मेरे उलमाए किराम के पास है। अल्लाह तूने लौहे महफूज में लिखा है कि सब सजदा करेगा एक ना करेगा। मैं देखा कि सब तो जा ही चुके हैं, मैं ही तो बचा था, अगर मैं भी चला जाता तो तेरा लिखा गलत हो जाता। रब ने फरमाया कि वहां तक अमल किया है तो उसके बाद जो लिखा है उस पर भी अमल कर ले। तो जो सजदा ना करेगा उसका आलम क्या होगा, जो सजदा ना करेगा उसके हालात क्या होंगे। लिखा था उसके आगे जो सजदा ना करेगा लानत का कौर डाल दिया जाएगा, मर्दूद बारगाह कर दिया जाएगा, इबलीस करार दे दिया जाएगा, जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा। मुझे याद आता है कि एक बार हजरत यहीया अलैहिस्सलाम मस्जिद जा रहे थे और उसकी सीढ़ी पे इबलीस खड़ा था और रो रहा था। यहीया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इबलीस क्यों रोते हो? इबलीस ने कहा, मैं ना रोऊं तो कौन रोए? जन्नत से निकाल दिया गया, फरिश्ते झूला झूलाते थे वो खत्म हो गया, मेरी तमाम इबादत बेकार चली गई, मैं ना रोऊं तो कौन रोए? एक गुजारिश करने आया हूं, इबलीस ने कहा। यहीया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो। उसने कहा कि मेरे दरमियान और रब के दरमियान मुसालहत करा दीजिए, मेरे दरमियान और रब के दरमियान मुसालहत करा दीजिए। हजरत यहीया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नहीं करूंगा, तुम जानो रब जाने, तुम जानो रब जाने। लेकिन जिद करने लगा, आज गुनाहगारों को भी चाहिए कि अपने रब से मुसालहत करें। इबलीस की मुसालहत तो नहीं हो सकती, लेकिन हम गुनाहगारों को चाहिए। एक दीवाना बाजार में लोगों को कह रहा था, चलो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से दोस्ती करो। कोई क्या सुने, बाजार है, हर कोई अपना रास्ता देख रहा है, हर कोई वो दीवाना मस्ताना सदा लगा रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं, परेशान हो गए। फिर देखा लोगों ने कि कब्रिस्तान में आवाज लगा रहा है। किसी ने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कभी बाजार में कभी यहां? तो उसने जो जवाब दिया है, गौर करो, मिट्टी से बने इंसान, गौर करो। और उस दीवाने ने जवाब दिया कि मैं बाजार में जो आवाज लगा रहा था, मैं अल्लाह के दरमियान और बंदों के दरमियान मुसालहत कराना चाहता। बंदा मानने, रब तो मानने को तैयार है, बंदा मानने को तैयार नहीं। कोई दुकान की तरफ, कोई तिजारत की तरफ, कोई दौलत की तरफ, कोई शोहरत की तरफ भागता चला जा रहा। रब माफ करने को तैयार है, बंदा करीब आने को तैयार तो हो जाए। और ये कब्रिस्तान में क्यों रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने कहा कि यहां भी मुसालहत कराने के लिए आया हूं, लेकिन यहां बंदा तो मानने को तैयार है, रब मानने को तैयार नहीं। उसी वक्त अपने रब को राजी कर सकते हो जब तक तेरे जिस्म में तेरी रूह बाकी है। जिस दिन ये रूह रुखसत हो गई, रब को मना ना पाओगे, रब को राजी ना कर पाओगे, इबलीस तूने सजदा ना किया, उस पे अमल किया है तो इस पर भी अमल कर ले, लानत का तौक डाल दिया गया, मर्दूद बारगाह करार दे दिया गया।
एक रवायत नजर से गुजरी है कि जूं ही फरिश्ते ने देखा कि जिसको झूला झुलाते थे उसने सजदा ना किया, तो एक सजदा करके उठे थे, दूसरे सजदे में चले गए। हजरत क़िबला मौलाना कलीम रजा साहब शमसी नमाज पढ़ाते हैं, एक रिकत में क़याम एक है, रुकू एक है, सजदा दो क्यों? मुताले की रोशनी में जो मैंने नतीजा खत किया है, अगर ये गुनाहगार की नजर और सोच खता कर रही है तो लम्मा फरमाए, लेकिन मुताले की रोशनी में जो नतीजा खत हुआ है कि एक रिकत में क़याम एक है, रुकू एक है, सजदा दो, ये कड़ी उससे मिलाते हैं जब फरिश्तों ने सजदा किया और एक सजदा करने के बाद उठे, देखा झूला पे झूलने वाला खड़ा है और फरिश्तों को मालूम था कि ऐसा मौका जब आएगा तो एक सजदा ना करेगा, जो सजदा ना करेगा वो खसारे में रहेगा। जब फरिश्तों ने देखा कि हमने सजदा कर लिया है, एक सजदा से उठे, दूसरे बार सजदे में चले गए, हमने आलम तस्वुर में कहा फरिश्तों रब ने सिर्फ ये फरमाया फसा जदू सजदा करो, ये नहीं फरमाया फसा जदू सजदा तैन दो सजदा करो। जब रब ने दो सजदे का हुक्म नहीं दिया तो तूने दो सजदा क्यों किया? आलम तस्वुर में जवाब मिलेगा मुजफ्फर, पहला सजदा हुक्म इलाही का था, दूसरा सजदा शुक्र इलाही का था, हमने शुक्र इलाही का दूसरा सजदा कर लिया है, वो कामयाब हो गए, रब की बारगाह में फतह याब हो गए, रब की बेशक हक है। वो फरिश्तों की अदा रब को पसंद आई, आज एक रिकत में दो सजदा हुआ, सुभान अल्लाह, आज एक रिकत में दो सजदा होता है मिट्टी। अब यहां पे एक तरीकत की बात, यहां पे एक सूफियत की बात, यहां पे एक माफत की बात। फरिश्तों ने जो सजदा किया वो सजदा किसे था? फरिश्तों ने सजदा किसे किया? हजरत क़िबला नमाज पढ़ाए, इनकी मुक्तदी से मैं पूछूं सजदा आपने किसे किया? इमाम साहब तो कहेंगे नहीं। क्या खाने काबा को? कहेंगे नहीं। किसे सजदा किया? कहेंगे अपने खुदा को, अपने खुदा को हमने सजदा किया। फरिश्तों ने जो सजदा किया वो इबादत का सजदा नहीं था, ताजिम का था, इसलिए वो खुदा की बारगाह का सजदा नहीं था, वो ताजिम का सजदा था। किसकी ताजिम हो रही थी? किनकी ताजिम का जलवा था? किनकी ताजिम के टंके बज रहे थे? मुक्तदी कहेगा मैंने खुदा को सजदा किया है, इमाम को नहीं, खुदा को किया है, खाने काबा को नहीं, खाने काबा को तो हमने किबला बनाया है। मेरे सजदे का किबला खाने काबा है, तो ए फरिश्तों सजदा आपका किसे था? तफसीर की किताबों की रोशनी में, मुताले की रोशनी में मुजफ्फर हुसैन कहने की यह जुरत करता है कि फरिश्तों का जो ताजिमी सजदा था हकीकत में उस सजदे का किबला हजरत आदम थे, लेकिन सजदा उसे हो रहा था जो नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में जगमगा रहा था, गोया के ताजिमी सजदा आदम का नहीं नूरे मुस्तफा का हो रहा था जो हजरत आदम की पेशानी में जगमगा रहा। वाह क्या बात है, वो नूर की ताजिम का जलवा, नारे रिसालत, वाह। मिट्टी कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया कि नूर से बनी मखलूक उनकी बारगाह में सजदा कर रही है जो मिट्टी से बने। हजरत आदम की बारगाह में फरिश्ते झुक रहे हैं, हजरत आदम की तखलीक तो मिट्टी से है लेकिन नूरी मखलूक झुक रही है, फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। पता चला, सबक मिला कि इस मिट्टी में जब ईमान का जलवा आ जाए, इस मिट्टी में जब ईमान की रमक आ जाए, इस मिट्टी में जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, इस मिट्टी में जब अल्लाह की इबादत और रियाजत की चमक दमक आ जाए, इस मिट्टी में मोहब्बत रसूल का जब खजाना आ जाए, इस मिट्टी में जब शरीयत आ जाए, इस मिट्टी में जब तरीकत आ जाए, इस मिट्टी में जब मार्फत आ जाए, इस मिट्टी में जब हकीकत आ जाए, इस मिट्टी में जब तहजीब आ जाए, इस मिट्टी में जब तमद्दुन आ जाए, इस मिट्टी में जब इखलाक आ जाए, इस मिट्टी में जब इखलास आ जाए, इस मिट्टी में जब सब्र आ जाए, इस मिट्टी में जब शुक्र आ जाए, इस मिट्टी में जब सजदा आ जाए, इस मिट्टी में जब रुकू आ जाए, इस मिट्टी में जब सदका आ जाए,
इस मिट्टी में जब ज़कात आ जाए, इस मिट्टी में जब नूरानियत आ जाए, तो सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, फरिश्ते सजदा करते नजर आते हैं, मकाम जमीन से लेकर आसमान तक बुलंदो बाला होते नजर आते। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जो। दरूद पाक पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीइना मौलाना मुहम्मदिन अदन जूदे वल करम, बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। भला नवाज से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी से बने, और कभी बहुत जब लगे ना कि मैं बहुत बड़ा हूं, लगे ना कि मैं बहुत हैसियत का मालिक हूं, लगे ना कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूं, लगे ना कि लोग हमें सैल्यूट और सलाम करते हैं, लगे ना कि लोग हमारे लिए जगह छोड़ देते हैं, जब यह महसूस होना कि मेरा एक चर्चा और गलगला है, जब यह महसूस होना कि मेरी तरह कोई नहीं है, सिर्फ एक बात याद कर लिया करो कि जब तुम रफ हाजत के लिए और इस्तिंजा के लिए बैतुल खला जाते हो तो तेरी हैसियत क्या रहती है। तुम अपनी पाकी हासिल करने के लिए अपने सतर खोलने पे मजबूर हो जाते हो, यहीं से तो समझ लो कि तेरी हैसियत क्या है। तेरी कोई हैसियत नहीं है, और इतने सजदे को मुंह पे मार दिया गया कि अगर उसके सजदे को फैला दिया जाता तो जमीन का कोई चप्पा सजदे से खाली नहीं रहता। एतबार सिर्फ सजदे का नहीं है, एतबार इबादत का नहीं है, उस इबादत और सजदे का एतबार है जो मोहब्बत के दामन में हो, जो शरीयत के साथ साथ तरीकत के दामन में हो। आज गली गली बाबा नजर आते हैं, आज के वक्त में बाबा और बाबू बनना बहुत आसान है, आलिम बनना आसान नहीं है। कभी तुमने देखा है कि रिक्शा चलाने वाला अचानक एक महीने में कहे कि मैं आलिम हो गया हूं? क्योंकि आलिम बनने के लिए 9 साल पढ़ना पड़ेगा। कभी तुमने सिंदूर और टिकली बेचने वाले को देखा है कि 2 महीना के बाद कहे मैं कारी हो गया हूं? कारी बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं हाफिज हो गया हूं, उसके लिए कुरान याद करना पड़ेगा। मैंने देखा है 2 महीना पहले टिकली बेच रहा था, साल भर पहले कपड़ा बेच रहा था गली गली घूमकर, अचानक मालूम हुआ कि बाबा बन गया, बाबा बन गया। और हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना बाबा नहीं है तन्हा, उतना कलकत्ते में सिर्फ बाबा है। गली गली देखो तो बाबाओं का धंधा है। तुम उन बाबाओं से इन उलमाए किराम की हैसियत का अंदाजा ना लगाओ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का अंदाजा ना लगाओ। एक बड़ा से बड़ा करोड़पति, एक बड़ा से बड़ा उहदेदार, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले एक हाफिज कुरान के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन आप यह समझते हैं अरे ये मदरसे के बच्चे हैं। मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा हूं, मिट्टी मिट्टी से बना मदरसे का बच्चा भी है, और मिट्टी से बना आज आपकी रियासत, पूरी रियासत का वजीर आला भी है। मिट्टी से बना मुल्क के सदर और वजीर आजम भी होते हैं। मिट्टी से बना डीएम सीएम पीएम और सब होते हैं। लेकिन जब तेरे मोहल्ले में कोई डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, बड़ा नेता आ जाए, पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है, पूरे मोहल्ले में गलगला हो जाता है, फलाए हैं फलाए हैं फलाए हैं। और जब हमारी और आपकी गलियों से मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म चप जाता है तो हकारत की निगाह से देखते हैं, छोटी नजर से देखते हैं, अरे ये मदरसे का बच्चा है, चप्पल सही नहीं, कपड़ा सही नहीं है, चेहरे पे धूल गर्द है, टोपी फटी हुई है। लेकिन चलो माँ बाप कोई साले सवाब करना है, बिरयानी खिला देता हूं। बिरयानी खिला देना आसान है, अदब करना आसान नहीं है। तुम मदरसे के बच्चों को बिरयानी और पुलाव खिला करके उसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। उनकी इज्जत का अंदाजा लगाना है तो हदीसे पाक सुनो।
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا مر العالم او المتعلم على قريه رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما, کہ جب کسی دیار سے کوئی عالم یا کوئی متعلم گزرتا ہے, جب کوئی دین نبی کا علم دینے والا یا علم لینے والا گزرتا ہے کسی آبادی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کی برکتوں سے اس آبادی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان تم اللہ. یہ دیکھ رہے ہو کہ چپل ٹوٹی ہے, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ٹوپیاں پھٹی ہیں, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کپڑے پہ پیون ہیں, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ چہرے پہ گرد و غبار ہے, سمجھو یا نہ سمجھو, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ وان الملائکۃ لتضعوا اجنحتہا رضا لطالب العلم, کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے چلتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسے راستے پہ چلتا ہے تو وہ راستہ نہیں بلکہ جنت کے راستوں پر وہ چلتا ہے, جنت کی راہ پہ چلتا ہے. اور سنو, ایسے طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر کو طالب علم کے قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور اس کے ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آتے. جن کے قدم کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں, ان کے ادب کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہو, ان کے مقام اور رتبے کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو. آپ حیثیت دو یا نہ دو, لیکن اللہ رسول نے مدرسے کے بچوں کو وقار دیا. مٹی سے وہ بھی ہے, لیکن اس مٹی کے اندر قرآن کا علم آ گیا, حدیث کا جلوہ آ گیا. آج یہ اسٹیج پہ ممبر رسول پہ بہتوں کو تکلیف ہوتی ہے, ارے سامنے بولے یا نہ بولے, دیکھتے ہو امام صاحب کا کپڑا, دیکھتے ہو گمچا, دیکھتے ہو جبا, مہینے میں 50,000 لاکھ 2 لاکھ کپڑے کمانے والا, آمدنی والا کپڑے لگتے رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, وہ مینٹیننس نہیں کر پاتا جو ہماری مسجد کے امام کر لیتے ہیں. تم نہ کر سکو تو یہ تیرا نصیب ہے. اللہ نے اگر ہمیں کم آمدنی میں بھی یہ اگر رتبہ اور وقار دیا ہے تو یہ قوم و ملت کی خدمات کا نتیجہ اس کی برکت ہے. آج یہ چہرے چمک رہے ہیں, آج یہ لباس چمک رہا ہے, آج ایسے ایسے عطر لگاتے ہیں ہمارے علماء کہ بڑے بڑے کروڑ پتی کو میسر نہیں ہے. یہ صدقہ ہے دین کی خدمت کا, یہ برکتیں ہیں علم دین کی, یہ عنایتیں ہیں رسول پاک کی. اس لیے اپنے علماء سے حسد نہ کرو, مدرسے کے بچوں کو کمتر نہ سمجھو, ان کے قدم کی دھول بھی اگر پڑ گئی تو کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے. وہ مٹی سے بنے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے کیا مقام دیا ہے, کیا رتبہ دیا ہے. مٹی یہ بھی ہیں, مٹی آپ بھی ہیں. حضور شمس الخطبا کا آج تذکرہ ہو رہا ہے, وصال کیے ہوئے 4-5 سال ہو گئے. ایک عمر ہٹی کے زندہ دل مسلمانوں, کتنے بادشاہ گزر گئے, کتنے تخت و تاج کے مالک گزر گئے, کتنی دولتوں کے انبار رکھنے والے, تجوریاں رکھنے والے چلے گئے. لوگ آج اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, نام بھی نہیں جانتے. کیا وجہ تھی ہے کہ آج شمس الخطبا کا نام عوام و خواص ہر ایک کی زبان پر ہے, ہر ایک کے دل میں ان کا نام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مٹی سے وہ بھی, مٹی سے آپ بھی, مٹی سے وہ بھی, مٹی سے آپ بھی, لیکن اس مٹی میں اللہ نے ایمان کی خوشبو دیا, اس مٹی میں اللہ نے دین کی خدمت کا جلوہ دیا, اس مٹی میں اللہ نے اخلاق و اخلاص کے نمونہ دیے, اس مٹی میں درس حدیث درس قرآن کا جذبہ دیا, اس مٹی میں دین و سنیت کی تبلیغ کا احساس دیا. اس مٹی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ گزرنے کے بعد بھی نام ہو رہا ہے, گزرنے کے بعد بھی چرچے ہو رہے ہیں,
जिसने अपनी मिट्टी की हैसियत को पहचान लिया, जाने के बाद भी जिंदा और ताबिंदा रहता है। लेकिन आज आलम क्या है, आज हालात क्या है, ये झंडे लहरा रहे हैं, देख रहे हैं आप मकान 12 रबीउल अव्वल अभी अभी करीब में गुजरा है, लेकिन धीरे धीरे मैं जो महसूस कर रहा हूं, मुमकिन है कि उलमाए किराम भी महसूस कर रहे होंगे कि इधर 5-10 सालों में जुलूस मोहम्मदी में तादाद तो बहुत बढ़ी है, काफी तादाद बढ़ी है, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ हमारे वो नौजवान जो अदब एहतराम से खाली हैं, वो जुलूस मोहम्मदी को मुहर्रम का अखाड़ा बनाते चले जा रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी मुहर्रम का अखाड़ा नहीं है, ये तो वो जुलूस है जिसमें मुसलमानों को नौजवानों को वजू करके शामिल होना चाहिए, सर पे टोपी या इमामा होना चाहिए, लबों पे तराना होना चाहिए। इसी साल जुलूस में मैंने आवारा कुछ नौजवानों को देखा कि झंडा में गुंबद खजरा है बना, खाने काबा है बना, नबी तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम है लिखा, और इतनी बदतमीजी से वो घुमा रहा है और ऊपर नीचे कर रहा है कि मेरा ये देख करके ईमान लरस गया। मैं सोचने लगा कि आज ये मोहब्बत का नारा लगाकर किस तरह जहालत के काम कर रहा। मेरी गुजारिश है अपने मौकर उलमाए किराम की बारगाहों में कि जहां हम मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं कि मेरे नौजवानों बुजुर्गों मेरे बच्चों जुलूस में शामिल हो, वहीं हमें यह भी ऐलान करना चाहिए कि जुलूस में शामिल होने का तरीका क्या है, वहीं हमें यह भी बताना चाहिए कि जुलूस मोहम्मदी में आने का तरीका और सलीका क्या है। तकरीर और जलसे का मकसद सिर्फ नारा लगाना नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि मिट्टी सही मानों में इंसान और मुसलमान बन जाए। अपनी पहचान दौलत ना बनाओ, अपनी पहचान महल ना बनाओ, अपनी पहचान गाड़ी ना बनाओ, अपनी पहचान तिजारत ना बनाओ। मियां अपनी औलाद को कुछ बना सको या ना बना सको, कम से कम जिंदा मुसलमान तो जरूर बना। तेरी औलाद तेरी नस्लें चटाइयों पे बैठ करके सूखी रोटी खा ले, गवारा कर लो, लेकिन नबी पाक की बारगाह में जरा सी गुस्ताखी हो जाए ये कभी गवारा ना करो, क्योंकि जिस दिन सोच और फिक्र बिगड़ती है नस्लें बिगड़ती है, और उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप अपनी गोद को संवार लें, क्योंकि जिस कौम की गोद बिगड़ जाती है उस कौम की नस्लें बिगड़ जाती हैं, जिस कौम की गोद संवार दी जाती है उस कौम की नस्लें संवार जाती हैं। बात अचानक याद आ गई, अपने इन छोटे नौनिहाले बच्चों की इबरत और नसीहत के लिए कर रहा हूं ये पैगाम और ये बात बोलने जा रहा हूं। इसी कमरहट्टी में एक मायनास अहले इल्म यहां तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती मुख्तार साहब किबला के जरिए से इनसे मुलाकात होती रहती है। क्या नाम है? अब्दुल कादिर साहब, बार बार नाम पूछता हूं भूल गया। तो हमारी बच्ची परी साल गुज़श्ता साल इनके मदरसे से जामिया अनवार ताजु शरिया जामिया सलीमिया अनवार ताजु शरिया से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची आलिमा बनकर निकली, और 250-300 बच्चियों में सबसे अव्वल नंबर उसका आया। और इस गुनाहगार का इरादा है कि जहां यह हकीर दीन का काम कर रहा है अपने बेटों को भी आलिम बना रहा हूं वो भी दीन का काम करे, साथ ही साथ हमारी बेटियां भी दीन का काम करें, औरतों में जाकर के दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे। और आपसे भी गुजारिश है, मैंने देखा है बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, बड़े महंगे महंगे ट्यूशन करने वाली बेटियां आज वो किचन संभाल रही है, मतबख संभाल रही है। कम से कम अगर आपने अपनी बच्ची को आलिमा फाजिला कारिया बना दिया तो उसकी गोद से पलने वाली नस्ल कभी जाहिल पैदा नहीं होगी। एक जुमला नोट कर लीजिए, पढ़े लिखे बाप की औलाद तो जाहिल रह सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी माँ की औलाद कभी जाहिल नहीं रह सकती, क्योंकि नस्लें जो परवान चढ़ती हैं वो माँ की गोद से, माँ की गोद से। इसी कमरहट्टी के बारे में मैं बार बार आता था, फूल बगान मैदान में गाड़ी लगाने को गया, देख करके मेरा बहुत अफसोस हुआ कि आज मेरे माशरे के नौजवानों और बच्चों का क्या हाल है।
फूल मगार मैदान के बगल में दुकान की छत पे 12 से 15 साल के कुछ बच्चे थे। उसके हाथ में बड़ा मोबाइल था और ऐसी ऐसी हरकत कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, यहां पे जिक्र नहीं कर सकता। दिल में अफसोस हुआ कि इस हमारे कौम के बच्चों के सीनों में आज जो ईमान का जलवा होना चाहिए था आज वो नजर नहीं आता, और ये खिलाजतों की बुरी सहबतों बुरी सोहबतों के अंबार पे नजर आ रहे हैं। अपने बच्चों के हाथों में और बच्चों के हाथों में मोबाइल देने से पहले सोच लो कि हम इस बच्चों की निगरानी कर सकते हैं या नहीं। मिट्टी से पैदा जरूर है लेकिन अपने बच्चों के लिए दुनियादार को नमूना बनाओ। अपने बच्चों के लिए अगर नमूना बनाना है तो अपने इमाम को नमूना बनाओ, अपने आलिम को नमूना बनाओ। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक सुने और अपनी बात तमाम करने की तरफ चलें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जमात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा कि जब मुसलमानों का रोब गैरों के दिलों से खत्म हो जाएगा। अल्लाह, मुसलमानों की हैसियत खत्म हो जाएगी, मुसलमानों का रोब खत्म हो जाएगा और गैर मुसलमानों पर काबिज हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद तो बहुत होगी, तादाद बहुत होगी, लेकिन मुसलमानों के दिलों में उस वक्त वहन पैदा हो जाए। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या है? बाव छोटी हा नून, ये वहन क्या है? मेरे आका के फरमान को पेश नजर रखें और आप अपने आप पर गौर करें। हमने तो यही समझा है कि इसी जमाने को देखकर महसूस करते हुए मेरे आका ने यह फरमाया, उस वक्त मुसलमानों के दिलों से दीन और ईमान की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लोगों के दिलों से मुसलमानों का रोब खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का वकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, जानते हो वहन क्या है? यानी उस वक्त मुसलमानों के दिलों से मौत का, यानी मुसलमानों के दिलों में मौत का खौफ पैदा हो जाएगा और दुनिया की लालच पैदा हो जाएगी। उस वक्त मुसलमानों के दिलों में मौत का खौफ पैदा हो जाएगा, मरने से डरेंगे और दुनिया की और दौलत की लालच पैदा हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि यही वो जमाना नहीं? इतने बड़े मजमे में कौन कहता है कि मैं मरना चाहता हूं? एक भी ना कहे। इसी मौत के डर और खौफ ने आज हमको बुजदिल बना दिया है। लेकिन ईमानो इस्लाम बुजदिली से नहीं बढ़ा, जुर्रत व बहादुरी से बढ़ा है, इखलाक व मोहब्बत से बढ़ा है। आज वो चीजें रुखसत होती चली जा रही हैं और हर कोई दो चार दिन में करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई दौलतमंद बनना चाहता है। दौलत आ जाए, दौलत आ जाए, दौलत आ जाए, इस दौलत की मोहब्बत ने भी हमें मुस्लिम बना दिया है। इतनी दौलत है, मैं चला जाऊंगा, मेरी औलाद कहां संवारेगी, कहां रखेगी? आज वो हालात पैदा हो रहे हैं इसलिए कि लोगों ने अपनी हैसियत को नहीं समझा। जिस दिन हम ये समझ गए कि मेरी औकात मेरी हैसियत मिट्टी है, हम दौलत जमा करें या ना करें लेकिन ईमान का कमाल जरूर जमा करें, ईमानी खूबियां जरूर जमा करेंगे। और 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात तमाम करते हुए उस यहूदी राइटर की बात बताऊं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी है और मशहूर किताबों में उसकी किताब का नाम शामिल है। जहां म्यूजियम है, तारीखी किताबें हैं, वहां उसकी किताब है। जब उसने लिखा तो उसकी कौम के लोगों ने, दिगर लोगों ने कहा कि यहूदी, तू तो मुसलमान नहीं है लेकिन तूने नबी की सीरत कैसे लिखी, क्या तूने पाया है? उसने कहा, उसकी किताब है 100 शख्सियतों में एक, और उसने अपने मजहब के गुरु पर भी तबसरा किया और लिखा है, लेकिन दुनिया की 100 शख्सियतों में, 100 जात में एक पहले नंबर पे उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को।
एक यहूदी राइटर अपनी किताब में दुनिया की 100 शख्सियतों में पहले नंबर पे मेरे नबी का नाम रखता है, ये उस मिट्टी का कमाल है जिस मिट्टी को अल्लाह ने तमाम खूबियां अता की, जिस मिट्टी को अल्लाह ने वो कमाल और रुतबे अता किए हैं। उस राइटर से किसी ने कहा कि क्या लगा आपको, यहूदी होकर तुमने इस्लाम के बानी और आखिरी नबी को तुमने अपने एक नंबर पे रखा है, अपने नबी को क्यों नहीं रखा और किसी नबी को क्यों नहीं रखा? जिस मजहब से तुझे दुश्मनी है उस मजहब के बानी और आखिरी नबी को तुमने एक नंबर पे रखा, तो सुनिए और अपने ईमान का ईमान को ताजा कीजिए और अपने दिल की कबीदगी को बुराइयों को दूर कीजिए। उसने कहा कि जब मैं नबी पाक की सीरत पढ़ने लगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने लगा, पढ़ते 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 एक वाकये पर नजर पड़ी, वो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में एक बिल्ली आकर बैठ गई और नबी के बिस्तर पे वो बिल्ली सो गई। वो नबी पाक अपने पेरहन को बिछा कर थे, चादर रहमत को बिछा कर, जब चादर रहमत अपने जिस्म पे लेना चाहे तो आपने क्या देखा कि बिल्ली सो रही है। उस आखिरी नबी ने बिल्ली को बेदार करना मुनासिब नहीं समझा और जिस जगह बिल्ली बैठी थी उस जगह को काट कर चादर रहमत को अलग करके और उसके बाद अपने मुबारक बदन पे डाला और उस हिस्से को रहने दिया जिस हिस्से पर बिल्ली सो रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत से यह पैगाम दिया है कि तेरी जात से एक जानवर को भी तकलीफ पहुंचे ये कभी गवारा ना करो। वो यहूदी राइटर ने कहा कि जिस मजहब का बानी और जिस मजहब का नबी एक बिल्ली को तकलीफ देना और नींद से बेदार करना गवारा ना समझे, वो किसी इंसान को तकलीफ देना कैसे गवारा कर सकता है। ए मिट्टी से बने इंसान, हम आज अपनी सुबान से नाम लेते हैं मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। मैं कहता हूं कि अपने जिस्म अपने बदन के इस जुबान से नारा मत लगाओ, अपने किरदार को जुबान दे दो जो नारा लगाए मेरा नबी मेरा नबी। ये जुबान तो बोलेगी ही, लेकिन मुज़फ़्फ़र हुसैन आपसे यह कहना चाहता है कि अपने सीरतों किरदार को इतना बुलंद करो कि तेरी ये चमड़े की जुबान खामोश रहे, तेरी सीरत की जुबान कहे कि मैं ईमान वाला हूं, तेरे किरदार की जुबान कहे कि मैं मुसलमान हूं, तेरे तकवा परहेजगारी की जुबान कहे कि मैं मुसलमान हूं, तेरी सुबह शाम की जुबान कहे कि मैं मुसलमान हूं। जिस दिन कौम मुस्लिम के अफराद ने अपने किरदार को जुबान दे दिया, दुनिया कहेगी कि ये मुसलमान है, लोग कहेंगे कि मुसलमान है, लोग कहेंगे कि ये ईमान वाला है। वरना आज आलम यह है कि आज मुसलमान मुसलमान से बिजनेस करना नहीं चाहता। गया के एक बड़े ताजिर ने कपड़े की तजारत करता है और यहां मटिया बुरुज में भी उसका एक बड़ा ऑफिस है। उसने जब कहा, मैं अंदर से बड़ा सोचने लगा आज क्या हालात है मुसलमानों के। उसने कहा, हजरत अब हम लोग मुसलमानों को माल देना नहीं चाहते, घबराते हैं मुसलमानों को माल देने से, जबकि नियत थी कि छोटे कारोबारी को ज्यादा से ज्यादा माल देकर के उसे आगे बढ़ाऊं। लेकिन कई मुस्लिम ताजिरों ने मेरे लाखों रुपए दबा दिए, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 15 लाख, किसी के पास 20 लाख लेकर फरार है, देने का नाम नहीं। लेकिन उसने कहा है, हजरत हैरत इस बात की है कि जितने गैर मुस्लिमों को मैं कपड़ा देता हूं, एक रुपया मेरा नहीं रखता, एक एक रुपया हिसाब करके मुझे दे देता है। कल जो खूबियां हमारी थी आज वो खूबियां दूसरों की बन गई है। चल कल जो किरदार हमारा था आज वो किरदार दूसरों का बन गया। हमारे गया शहर के बगल में एक नवादा है, एक अयूब खां पेशकार ने मुझसे खुद कहा कि जस के पास मैं रहता था शाम के वक्त भी उसके पास जाता था। मैं जब एक शाम गया तो जज ने कहा, अयूब मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मेरी बेटी अच्छी नहीं हुई, पानी पढ़ करके दे दो अयूब ताकि मैं बेटी को पिला दूं और वो अच्छी हो जाए। ए बच्चे,
सुनो तुम्हें भी काम आएंगे। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। गौर करें नसीहत ले, मिट्टी के बने इंसान, मिट्टी के बने आप, मुर्दा ताबूत ना बने, वो जिंदा दिल बने कि कब्र के मनोमन मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिए जाओ, फिर भी तेरी किरदार की जुबान कहे कि जाने वाला मुसलमान, जाने वाला अपनी मिट्टी में खुशबू पैदा करके गया है। आज शमशुल खुतबा की मिट्टी यही आवाज दे रही। अय्यूब खान ने कहा, जज साहब मैं ना हाफिज हूं ना आलिम हूं ना कारी हूं, मैं क्या पढ़ के दूं, पानी दीजिए किसी मौलाना साहब से पढ़कर आलिम साहब से पढ़वाकर मैं लाता हूं। जज की जो जुबान थी, जो जुबान थी उस गैर मुस्लिम का जो कहना था, उसने कहा अय्यूब कुछ ना हो, आलिम नहीं, मौलाना नहीं, हाफिज नहीं, खारी नहीं, इमाम कुछ नहीं हो, कम से कम मुसलमान तो हो। मेरा दिल ये कहता है एक मुसलमान होने के नाते तुम जो पढ़ करके दे दोगे मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। अय्यूब खान ने कहा मेरी गैरत ईमानी को उसने ललकारा, जो कुछ मुझे याद थे मैंने पढ़ा और मैंने दे दिया। दूसरे रोज जब मैं गया तो जज ने कहा अय्यूब मैं कई दिनों से अपनी बेटी का इलाज कर रहा था, जज होने की वजह से शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से रब्ता किया, लेकिन मेरी बेटी अच्छी ना हुई। तुमने कल पानी पढ़ करके दिया है, आज मेरी बेटी अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आज मेरी बेटी अच्छी हो गई, लेकिन दूसरे पहलू को जब अय्यूब खान पेशकार ने मुझसे कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा मुफ्ती मुजफ्फर वो जज का ट्रांसफर हो गया, फिर 7 साल के बाद नवादा शहर आया और मैं रिटायर हो चुका था। एक मुसलमान के केस और मुकदमे की पैरवी के लिए मैं उस जज के पास गया कि हुजूर मेरा एक मुस्लिम भाई है, मुकदमे में फंस गया है, उसे बेल दे दिया जाए। जिस जज ने 7 साल पहले कहा था कुछ ना हो मुसलमान तो हो, तेरी जुबान में तासीर जरूर होगी, उसी जज ने 7 साल के बाद कहा अय्यूब किसी मुसलमान के मुकदमे की पैरवी लेकर के मेरे पास मत आओ, मुसलमान झूठा होता है, मुसलमान गद्दार होता है, मुसलमान धोखाबाज होता है। उस जज को दो चार मुसलमान ने धोखा दिया होगा, लेकिन पूरी कौम उसके निशान और जद में आ गई, पूरी कौम उसके हमले में आ गई। कौम के कुछ लोग गलत करते हैं, पूरी कौम की बदनामी और रुसवाई होती है। एक गलत राहों पर जाने वाले जाने से पहले सोच ले कि तू मुसलमान है। एक गैरों की तरफ निगाह उठाने वाले निगाह उठाने से पहले सोच ले तेरे दिल में ईमान का जलवा है। एक किसी को धोखा देने वाले आचार्यों मक्कारी करने वाले उससे पहले सोच ले कि तेरी जुबान पे कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिस दिन गलत इकदाम से पहले पहले तेरे दिल में कलमाए तैयबा का जलवा पैदा हो जाएगा, न तेरे कदम बहकेंगे, न तेरे हाथ बहकेंगे, न तेरे दिमाग बहकेंगे, न तेरी निगाहें बहकेंगी, तेरी जुबान भी कहेगी मैं मुसलमान हूं, तेरा किरदार भी कहेगा मुसलमान। मिना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटाएंगे, इसी मिट्टी से तुझे दोबारा उठाएंगे। इस मिट्टी की रोशनी में किरदार रसूल सीरत रसूल पे भी आना था, कुछ बोलना था, लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है। बस खुलासे गुफ्तगु यही है कि हमें अपने किरदार व अमल पे गौर करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह ने वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा बनाया है, दाई बनाया, वो अल्लाह के रसूल अल्लाह के इज्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और सिराजुल मुनीर की हैसियत से इस दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, हमें उनकी उम्मत में है, उनके गुलामों में है, उनके वफादारों में है। एक उम्मत को, एक गुलाम को, एक वफादार को कैसा होना चाहिए ये अपनी मिट्टी से पूछ ले, ये अपने दिल से पूछ ले, ये अपने किरदार से पूछ ले। जिस दिन तेरे किरदार को जुबान मिल जाएगी तेरा किरदार कहेगा मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं अच्छा मुसलमान हूँ। जब तू अच्छा हो जाएगा तो पूरी कौम बदनाम नहीं होगी, कौम का नाम भी रोशन होगा, इस्लाम का नाम भी रोशन होगा। वरना ऐसे लोगों की वजह से लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं। न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राहदा के लिए। निगाह बलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारमा के लिए। असलाम।